वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज मैं आपको करुंडे का फल दिखाऊंगी। पहले मैंने इससे पहले आपको प्लांट की बताई थी जो फूलदार था, ये फलदार है। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि करुंडा जो दो किस्म का होता है वो किस तरह होता है, एक फलदार और एक फूलदार। ये फलदार है और इसको फल लगा हुआ है। इसका फल जो है बेहद मुफीद है, मुरब्बा और अचार इसका बनाया जाता है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। जब ज़र्दा पकाया जाता है तो जब ये तैयार हो जाता है इसका फल, तो इसको जो है खाने में इस्तेमाल किया जाता है ज़र्दे की सूरत में, और वैसे भी खाते हैं लोग और इसका अचार भी बनाते हैं। बहुत ही अच्छा फल है। अगर इसके टहनियों और पत्तों की बात कर ली जाए तो इसकी टहनी और पत्ते इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये पॉइजनर हैं और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मैंने दूसरी बात इस पे जो नोटिस की है वो ये की है कि इसके जो कांटे हैं, इस पर भी कांटे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। इसके जो पत्तों का साइज़ है वो भी डिफरेंट है, यानी इसके पत्ते बड़े साइज़ के हैं और ज़रा दूर दूर करके हैं, फासले से हैं। ये देखिए, ये टहनी नुमा है और इस पर फल लगा हुआ है बहुत सारे। यहाँ पर करोंडे के ये इस तरह से फलदार पौधे मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत है, देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। लोग इसको गमलों में भी उगाते हैं और ज़मीन में भी उगाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस गर्मियों में दो बार आपने पानी देना है। और इसके अलावा ये हर किस्म की मिट्टी में उगाया जा सकता है, जैसे बालू मिट्टी में, रेत वाली ज़मीन में, या किसी भी किस्म की जो मिट्टी होती है वो आप डाल सकते हैं। और ज़्यादा केयर भी नहीं लेता, ईजी टू केयर है, ईजी टू ग्रो है। और इसको बीट से भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसके कटिंग भी लगानी है तो कटिंग एटलीस्ट आपको 6-7 इंच की जो है कटिंग लगाएंगे आप। अगस्त के महीने में अगर इसकी कटिंग लगाते हैं तो